यूपी के बुलंदशहर में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ खुर्जा के ब्लॉक अध्यक्ष नमन पंडित का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हवाई फायरिंग की वीडियो के साथ नमन पंडित ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ब्राह्मणों को बीमे की नहीं हथियार की आवश्यकता है, जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। नमन पंडित ने कहीं तलवार तो कहीं फंसा हाथ में लेकर तो कहीं बंदूक अपने साथियों के साथ लेकर कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। नमन पंडित ने ये पोस्ट बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी द्वारा ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल की बात की है। हालांकि पुलिस मामले को लेकर नमन पंडित के खिलाफ मामला दर्ज कराने का दावा कर रही है। हाथ में बंदूक और फायरिंग कर रहा ये शख्स बुलंदशहर के खुर्जा में रहने वाला नमन पंडित है, जो बुलंदशहर के ही खुर्जा का अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का खुर्जा ब्लॉक अध्यक्ष बताया जाता है। दरअसल नमन पंडित ने फायरिंग करते हुए का वीडियो हाथों में हथियार लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया और साथ में दावा भी किया कि अब ब्राह्मणों को विवेकी नहीं हथियारों की जरूरत है, जिससे वो अपनी सुरक्षा। नमन पंडित ने ये पोस्ट बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी के ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों से नाराज होकर करना बताया जा रहा है। नमन पंडित ने कई विधायकों और राजनेताओं के साथ सेल्फी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखी है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग किस स्थान पर की गई। देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है, ये नमन पंडित नाम का एक युवक है जो खुर्जा नगर का निवासी है। वो एक वीडियो है, उसमें फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो कब का है, किस स्थान का है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस संबंधित युवक की तलाश कर रही है, तथ्यों की जानकारी कर रही है। फिलहाल पुलिस नमन पंडित के खिलाफ मामला दर्ज कराने का दावा कर रही है और नमन पंडित की तलाश में जुटी हुई है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।